अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ज़मीन व माहौल में से 16 क्वेश्चन है। आज हमने 16 क्वेश्चन पढ़ना है और ये है कि पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली जो हयात हैं उनको बचाने में दरपेश मुश्किलात को की निशानदही हमने करनी है। तो ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा 86 और 87। तो 86 86 में इसका आंसर आपको मिलेगा। ये है कि सबसे पहले पानी आ जाता है कि पानी के जो हम लोग बेतरीक इस्तेमाल जिसका करते हैं तो इससे पानी की अदम दस्तियाबी के मसाइल पैदा हो सकते हैं और आबपाशी जो फसलों की जो काश्त है उसकी रवायती और अगर पुराने तरीके से पानी का इस्तेमाल उनमें किया गया तो उसमें भी पानी ज़ाया होगा। और नए जो आबी ज़खायर हैं जैसे डैम वगैरह हैं इनकी अदम तामीर से पानी की शिद्दत में कमी आ रही है और नहरें और जो खाले हम पुख्ता होने के बायस दौरान आपाशी काफ़ी मकदार में ज़ाया हो जाता है। पानी इस्तेमाल करते हैं तो उससे पानी ज़ाया हो जाता है काफ़ी मकदार में और भी हमारे जो है पानी समंदर की नज़र होकर ज़ाया हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पानी को ज़खीरा करने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है कि हम उसमें ज़खीरा कर लें। ज़मीन है, ज़मीन की जो आबादी है वो तेज़ी के साथ तो उसमें इजाफा होता जा रहा है और ज़ेर काश्त रकबे में कमी हो रही है। सेम उथोर की वजह से जो हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है और ज़मीन जो कि जो पुराने और रवायती तरीके हैं वो काश किए जा रहे हैं जिससे फसल की औसत में इजाफा हो रहा है। ज़मीन की बार बार ये जैसी फसलें उगाने से ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो रही है। सनतें और घरेलू हमारे इस्तेमाल शुदा जो मवाद है वो ज़मीन की सलाहियतों को मुतासर कर रहा है। आगे है नबातात। ये हमारे जो हम लोग गैर ज़रूरी कटाव करते हैं जंगलात को उससे हमारे दरख्तों में कमी लाता है और बारिशों की कमी से भी जंगलात के उगाने में मसला होगा कि वो उगते नहीं हैं। सेमथोर के इजाफे से हमारे जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं और दरख्तों की जो बीमारियाँ हैं उनसे हमारे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं। मालूती आलूदगी से जंगलात पर जो बुरे असरात पड़ रहे हैं इससे भी हमारे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं। जंगली हयात है हमारे पास तो जब उन्हें जंगलात ख़त्म होते हैं तो वो भी उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह हमारे जंगली हयात भी कम हो रहे हैं। पानी की तेज़ी से जो कम होते हुए वसाइल हैं वो जंगली हयात को मुतासर करना है और जंगलात के कटाव से भी जंगली हयात बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। इंसानी आबादी में तेज़ी से जो इजाफा है वो हमारे जंगली हयात को बुरी तरह मुतासर करता है और पालतू जानवरों की तादाद में इजाफे से चरागाहें जो हैं वो भी कम हो रही हैं जिससे जंगली हयात मुतासर हो रहे हैं। हमारा ये यहीं तक लास्ट आज चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।